राधे राधे दोस्तों, मैं नीरज एचसीडी इंस्टीट्यूट से। स्टूडेंट्स, आज हम नियोजित विकास की राजनीति का फोर्थ पार्ट लेके आपके सामने आए हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है थर्ड सेकंड और फर्स्ट भी इसके पार्ट है, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिल जाएगी, आप उसको चेकआउट जरूर कीजिए और कंप्लीट वीडियो देखिए। सो आज हम उसी चैप्टर का फोर्थ पार्ट आपके सामने लेके आए हैं, जो कि है आपका नियोजित विकास की राजनीति। देखिए, इससे पहले की जो वीडियोस थी उसमें हमने क्या चीजें पढ़ी थी आपको पता ही होगी। हमने जो बेसिकली नियोजन डिस्कस किया था और योजना आयोग क्या होता है वो डिस्कस किया था, और साथ साथ में क्या नियोजित विकास सभी लोगों के लिए सेम होता है ये चीज हमने डिस्कस करी थी। इसी के साथ साथ हमने नीति आयोग और योजना आयोग में डिफरेंस क्या होता है ये भी पढ़ा था हमने, ठीक है। सो अब बारी है उन्हीं चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने की। तो लास्ट टाइम मैंने, अगर आपके पास बुक होगी तो आप देखोगे, लास्ट टाइम मैंने आपको नियोजन पढ़ाया था कि नियोजन क्या होता है, ठीक है, और नियोजन का अर्थ किस किस प्रकार से हम इसको यूज करते हैं, और साथ साथ मैंने आपको अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बातें बताई थी, ठीक है। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि जब हमारे देश में ये डिसाइड किया गया, ठीक है, हम जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे, तो उसके बाद क्या हुआ। तो देखो, जैसे कि चैप्टर में हमने मेन जो है हमारा वो है योजना आयोग। तो योजना आयोग का मुख्य काम क्या है, 5-year plan बनाना, यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं बनाना, क्लियर है। तो अब बात करते हैं, तो अब तक पंचवर्षीय योजना कितनी हो चुकी है आपको पता होना चाहिए। बेसिकली मैंने बताया था लास्ट वीडियो में 12 पंचवर्षीय योजना आपकी हो चुकी है, ठीक है, जो कि 2012 से 2017 तक थी, क्लियर है। अब बात करते हैं कि इस बुक आवागा अपने बुक ओपन कर रखी है, तो उसमें जो है पहला दो चीज बता रखी है, एक तो है आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, और सेकंड है आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। एक आपकी 1951 से लेकर 56, एक थी आपकी 1956 से लेकर 61 तक, ठीक है। तो यही दो टॉपिक आपके नेक्स्ट बुक के पेज पे है नेक्स्ट, जो कि हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या थी, किसके थ्रू बनाई गई और इसमें क्या इंक्लूड थी, और ऐसे आप दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ोगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पे थी और किसके द्वारा बनाई गई थी। देखो, तो जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना है ये के एन राज के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है ना, जो कि एक तरीके से अर्थशास्त्री थे, ठीक है ना, और साथ साथ में दूसरी जो है वो है पीसी महानोबलिस, आप इसको हिंदी में लिख सकते हो महानोबलिस, अब चेकआउट कर लेना स्पेलिंग वगैरह, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, के एन राज ने आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई थी और पीसी महानोबलिस ने आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाई थी। अब इन्हीं चैप्टर में जो है वो इन्हीं के बारे में डिस्कस किया गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या है। तो जब आप कहते, सबसे पहले देखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी उसका जो मेन बेस था वो था कृषि, क्लियर है, ये ध्यान रखना, पूछ लेते कभी कभार। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो बेस पॉइंट था वो था आपका उद्योग, ठीक है, तो ध्यान रखना दोनों अलग अलग है। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना की बारे में। तो प्रथम पंचवर्षीय जो योजना बनाई गई थी वो बनाई गई थी के एन राज ने, और इन्होंने बेसिकली एक बात कही गई थी कि भाई हमारा जो मेन काम है ना, हमारा मेन काम है जो इंडिया है, इंडिया को गरीबी से बाहर निकालना, ठीक है, क्योंकि हम बेसिकली 47 के टाइम पे हम आजाद हुए थे, 47 के टाइम पे, 47 में हम फ्री हुए, फ्री होने के बाद बेसिकली डिवीजन हो गया, डिवीजन होने के बाद रिवॉर्ड्स देंगे वगैरह होने लगे, आंदोलन होने लगे, तो बेसिकली क्या हुआ, इससे क्या हो गया कि भाई हमारा एक तो व्यापार नहीं हो पा रहा, ट्रेडिंग नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो डाउन जा रही थी। तो ऐसे में सबसे बड़ी और सबसे पहली प्रॉब्लम थी वो थी आपकी गरीबी की। तो के एन राज ने बोला कि बेसिकली क्या है कि उस टाइम तक ज्यादा इंडस्ट्रीज भी नहीं थी, तो ज्यादा फोकस किया गया कृषि पे कि भाई अगर कृषि जो है वो सही रहेगी तो बाकी इंडस्ट्रीज जो बाकी है, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र हो गया, द्वितीय क्षेत्र हो गया, तृतीय क्षेत्र आपने पढ़ रखा था, तो ये इफेक्ट होते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर कृषि को हम फोर्स करेंगे, किसी को सपोर्ट करेंगे, तो हो सकता है कि हम जो गरीबी की जो गरीबी है भारत में, जो गरीबी है, गरीबी के जाल से हम फ्री हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या था कि जो के एन राज है इन्होंने फोकस किया कि भाई प्रथम पंचवर्षीय योजना में हम सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे करेंगे, कृषि पे करेंगे, जिससे क्या होगा कि हम जो है इंडिया को गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं या उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं, क्लियर है। तो ये था कृषि के बारे में।
और फिर उन्होंने एक बात और ये कही कि भाई बेसिकली ये अगर कृषि हमारी हमारा बेस है, ठीक है ना, भारत का जो बेस है वो बेसिकली कृषि है, क्योंकि और इंडिया में सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट कृषि को सपोर्ट करते, क्योंकि उस टाइम पे प्राथमिक क्षेत्र जो था वो प्राथमिक क्षेत्र था, उसी की इम्पोर्टेंस ज्यादा थी। तो के एन राय ने ये बोला कि भाई ऐसा है, हमें अगर ग्रोथ करनी है, विकास करना है, तो हमें अपनी रफ्तार को थोड़ा सा धीमा रखना होगा। तो के एन राय ने ये भी कहा कि ना भारत को थोड़ा सा धीमी गति से रफ्तार करना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा, धीमी गति से विकास की ओर बढ़ना पड़ेगा। यानी कि उन्होंने बोला कि हमें जो भी कदम लेना है, जो भी फैसला लेना है, वो सोच समझ के लेना पड़ेगा, अदरवाइज हम हो सकता है कि डिसबैलेंस हो जाए, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि अगर हम तेजी के साथ विकास करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, तो बेसिकली क्या हो सकता है कि हम अनबैलेंस या डिसबैलेंस हो जाए, ठीक है। तो उन्होंने मेन फोकस किया गया कि हम जो है गरीबी को, इंडिया को गरीबी से फ्री करवाएंगे, और प्लस हमारी जो स्पीड रहेगी वो रहेगी स्लो, क्लियर है। तो ये कहा, किसने कहा, के एन राजन ने, जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे, यानी कि बनाने वाले थे, क्लियर है। तो ये आप ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आ सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना को कंपेयर करने के लिए आ सकता है, या फिर प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी और किसके द्वारा बनाई गई थी। तो किस पर आधारित थी वो ये रहा, और किसके द्वारा बनाई गई, के एन राज के द्वारा बनाई गई। इन्होंने एक बात और ये कही कि भाई जो जब तक हमारे जो खर्च है, ठीक है ना, वो कम नहीं होंगे ना, तब तक हम सेविंग्स नहीं कर सकते, तब तक हम बचत नहीं कर सकते। तो के एन राज ने यही बोला कि अगर हमें थोड़ी बहुत इकोनॉमी बढ़ानी भी है ना, अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत भी करनी, तो थोड़े बहुत हमें अपने खर्च, जो लोग हैं, लोगों को अपने खर्च भी कम करने पड़ेंगे, तभी हम जो है वो विकास कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था आपका पंचवर्षीय योजना के बारे में। बुक में आपको ज्यादा कुछ हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, बस ये प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, किसके द्वारा बनाई गई, इसका मेन बेस क्या था, उसमें कुछ बातें एक दो आपको पता होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई है, ठीक है ना। अब बारी है दूसरी पंचवर्षीय योजना की। देखो, सेकंड जो पंचवर्षीय योजना था, अब क्या था, हमने क्या कर लिया, पहली पंचवर्षीय योजना में सिर्फ और सिर्फ 5 साल हमने किसको दे दिए, अपनी कृषि को दे दिए, ठीक है। इससे क्या हुआ, हमारा जो उद्योग है, उद्योग कहीं ना कहीं डाउन आने लग गया। तो अब लोगों को भाई चिंता सताने लगी कि करे क्या, क्योंकि भाई कृषि भी जरूरी है, ठीक है ना, और उद्योग भी जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया, दूसरी बार यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपना बेस किसको बनाया, उद्योगों को, यानी कि इंडस्ट्रीज को बनाया कि भाई ऐसा है, अब हम ना थोड़ा सा कृषि पे से फोकस हटा के हम बेसिकली उद्योगों पे आएंगे। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो वो था योजनाकार थे, वो थे पीसी महानोबिलिस, और ये इन्होंने फोकस किस पे करवाया, उद्योगों पे। इन्होंने बेसिकली ये कहा कि अगर हमें तेज गति के साथ रफ्तार विकास करना है ना, तेज रफ्तार के साथ विकास करना है, तो हमें फोकस करना पड़ेगा इंडस्ट्रीज पे, उद्योगों पे, यानी कि जो हमारा सेकंड चीज पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि प्रथम क्षेत्र आपका कृषि है और द्वितीय क्षेत्र आपका उद्योग है। तो पीसी महानोबिलिस ने मेन काम यह कहा कि अगर इंडिया को तेजी के साथ अपना डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, तो उसे अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ उद्योगों पे करना पड़ेगा। ये किसने कहा, पीसी महानोबिलिस ने कहा, ठीक है। अब बात आती है, इससे क्या हुआ, इसी के टाइम पे ना बड़े बड़े डैम प्रोजेक्ट्स वगैरह हो गए, और जो इंडस्ट्रीज वगैरह, उद्योग वगैरह हो गए, बांध वगैरह हो गए, इन पे फोकस करने लगे, ठीक है ना, नई हुए जॉब वगैरह पे काम करने लगे। इसी टाइम पे, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के टाइम पे हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ उद्योगों पे फोकस किया 5 साल तक, ठीक है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हुई, ठीक है ना, हालांकि जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी, हाँ इतना होगा जितना सोचा था, उतना नहीं हो पाया, बट इंडिया ने डेवलपमेंट किया, ठीक है। तो ये था आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि पीसी महानोबिलिस के द्वारा बनाई गई थी, और जो कि उद्योग पे बेस्ड थी, ठीक है। तो अगर आप चैप्टर देखोगे आप, तो चैप्टर में बेसिकली आगे की तरफ बढ़ोगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आता है आपका बुक, अगर एनसीईआरटी बुक है आपके पास, तो पेज नंबर 54 पे विकेंद्रित नियोजन एक टॉपिक है छोटा सा, इसमें एक आता है केरल मॉडल। तो केरल मॉडल को आप हाईलाइट कर सकते हो कि केरल मॉडल किसे कहा गया है। तो केरल मॉडल क्या है, देखो, केरल ने अपने आप को डेवलप करने के लिए या अपना विकास करने के लिए जो रास्ता अपनाया था ना, उसी को ही केरल मॉडल कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो केरल मॉडल क्या है कि केरल ने अपना विकास करने के लिए जो रास्ते अपनाए या जिन चीजों का यूज किया, जिस वे का यूज किया, उसी रास्ते को आप केरल मॉडल कहते हो। तो केरल मॉडल में किन किन चीजों पर ध्यान दिया गया, ये आप इसमें बता सकते हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, और खासकर से खाद्य वितरण, गरीबी, इन सब पर ध्यान दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि केरल मॉडल क्या था। तो केरल मॉडल बाय चांस आ सकता है आपका, बट फिर भी आप उसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। तो केरल मॉडल बाय चांस आपका पूछ ले तो आपको बता देना, ठीक। तो केरल मॉडल सिर्फ इतना सही है
कि केरल ने विकास करने के लिए जिन चीजों का यूज किया या जो रास्ता अपनाया उसी को ही केरल मॉडल कहा जाता है। अब इसमें ना विकेंद्रीकरण एक विकेंद्रित चीज आ गया, विकेंद्रित नियोजन। देखो विकेंद्रित क्या होता है और केंद्रित क्या होता है, जिसको बोलते हैं केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। देखो केंद्रीकरण क्या होता है, जब सारी डिसीजन या सारे डिसीजन या और जो जितने भी फैसले वगैरह हैं अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है यानी केंद्र ले रही है। देखो ये तो आपको पता ही है कि दो चीजें होती है, एक होती है केंद्र सरकार, ठीक है, एक होती है केंद्र सरकार, एक होती है राज्य सरकार, ठीक है ना। राज्य सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट इसको बोलता है, इंग्लिश में स्टेट गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो केंद्र सरकार है, अगर ऐसा हो रहा है कि केंद्र सरकार सारे फैसले केंद्र सरकार ही ले रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही ले रही है, फिर चाहे कोई से भी स्टेट्स हो, सबके फैसले जो है वो केंद्र सरकार ले रही है, इट मींस वहां पे केंद्रीकरण है। केंद्रीकरण मतलब सारे सारा फोकस केंद्र करेगा, यानी कि सारे डिसीजन केंद्र लेगा। उसके बाद है आपका राज्य सरकार। राज्य सरकार होती है, जैसे राज्य सरकार आपको पता ही है कि भाई अलग अलग स्टेट्स की ना अलग अलग गवर्नमेंट होती है, ठीक है, और अपने स्टेट्स की जो देखभाल है वो राज्य सरकार करती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट करती है। इट मींस क्या कह रहा है कि अगर ये राइट है कि भाई अलग अलग स्टेट्स अपने डिसीजन खुद दे सकते हैं या अलग अलग राज्य या राज्य सरकारें अपने फैसले खुद ले सकती है, तो इसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण। अगर सारे फैसले केंद्र ले रहा है इसको बोलते हैं केंद्रीकरण, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, विकेंद्रित नियोजन एक टॉपिक है ऊपर सीखे पर। तो विकेंद्रित नियोजन का मतलब होता है कि अलग अलग स्टेट्स ना अपने स्टेट्स के अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सकते हैं, मतलब जैसा उनको अपने स्टेट्स को बनाना है, अच्छा है बनाना है, बुरा बनाना है, जहां डेवलपमेंट करना है नहीं करना, वो सारे अधिकार अगर राज्य के पास है उसको बोलते हैं विकेंद्रित नियोजन, ठीक है। आगे बात करते हैं टॉपिक के, तो जब अगर बुक में आओगे देखो इसमें टॉपिक है आपका, पेज नंबर है आपका सेम 54, इसमें मुख्य विभाग में नीचे देखा के कृषि बनाम उद्योग, ठीक है, कृषि बनाम उद्योग देखा है, इस टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हो गया कृषि बनाम उद्योग, ये टॉपिक है आपके बुक का, इसको देख लेना, ठीक है। तो इसमें हमें बनाम का मतलब है वर्सेस, ठीक है, कि भाई हम किसको फोकस करें, कि हम फोकस कृषि पे करें या उद्योगों पर करें, ये सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पे, दूसरी पंचवर्षीय योजना ये उद्योगों पे, अब बात आती है कि भाई तीसरी पंचवर्षीय योजना हम करें क्या, फोकस किस पे करें, क्योंकि दोनों जरूरी है हमारे लिए, यानी कि कृषि भी जरूरी है और उद्योग भी जरूरी है। तो ऐसे में प्रॉब्लम आई कि हम करें क्या, तो बेसिकली तब जाके टॉपिक उठा कृषि बनाम उद्योग, यानी कि कृषि वर्सेस उद्योग की किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। इसमें दोनों ही को रखा गया कि भाई दोनों ही हमारे लिए जरूरी है, कृषि भी जरूरी है और साथ साथ उद्योग भी जरूरी है हमारा। तो इसमें एक पर्सन का नाम आता है जिनका नाम है चौधरी चरण सिंह, देखोगे आगे टॉपिक में रखा है चौधरी चरण सिंह, ठीक है। ये इन्होंने क्या कहा, इन्होंने केंद्र में कृषि को रखने की बात करी है, ठीक है, मतलब ये जो चौधरी चरण सिंह है एक कांग्रेस लीडर है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बेसिकली कहा कि तुम चाहे कुछ भी प्लानिंग करो, चाहे पहली पंचवर्षीय योजना बनाओ, दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाओ, तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाओ, जो भी गवर्नमेंट है जो भी योजना बना लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने बस एक चीज कही कि भाई आप जो है कोई सी भी गवर्नमेंट आए लेकिन सेंटर में हमेशा कृषि को रखा जाएगा, मतलब इन्होंने बोला कि कभी कृषि की वैल्यू हमारे कभी कम हो ही नहीं सकती, हमारी जो हमारा जो भी वह देश या हमारे इसमें हमारे सोसाइटी में या देश में जो है सबसे केंद्र में कौन रहेगा, कृषि रहेगा। तो चौधरी चरण सिंह इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या कहा कि भाई कुछ भी हो जाए सबसे ज्यादा मतलब केंद्र में जो हम सिर्फ कृषि को रखेंगे, चाहे पंचवर्षीय योजना बनाओ, चाहे पहली पंचवर्षीय योजना बनाओ, दूसरी बनाओ, तीसरी बनाओ, चौथी बनाओ, इन्होंने सिर्फ ये कहा कि भाई हम सेंटर में सिर्फ और सिर्फ कृषि को ही रखेंगे, क्योंकि उससे हमें कच्चा माल मिलता है, जाहिर सी बात है जो हमारा उद्योग है उद्योग भी कृषि पर ही डिपेंड है, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो आपका कृषि से ही आता है, अगर वो खत्म कर दोगे तो बिजनेसमैन जो है वो हो सकता है कि प्रोडक्ट्स ना बना पाए। तो इसलिए चौधरी चरण सिंह ने कृषि को सेंटर में रखने की बात करी। तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका वन मार्क्स में आ सकता है कि भाई किस पर्सन ने जो है कृषि को केंद्र में रखने की बात करी, तो इनका नाम हम हाईलाइट करें ना चौधरी चरण सिंह, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, चलिए, और इसमें कुछ खास पढ़ने वाला है नहीं, आगे देखोगे तो इसमें एक है आपका नेक्स्ट टॉपिक है
निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र, और इसमें कार्टून भी है। ये कार्टून बाय चांस आपका एग्जाम में कभी भी पूछ लेते हैं, जिसमें बीच में नेहरू जी है वो बैलेंस कर रहे हैं, एक तरफ आपका प्राइवेट सेक्टर, एक तरफ आपका पब्लिक सेक्टर भी है, ठीक है। तो निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है, कि भाई भारत ने डिपेंड करता है कि भारत किसको फोकस करे, कि भाई कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाए या साम्यवादी को अपनाए, या बेसिकली यूरोप की अर्थव्यवस्था को अपनाए, किसको अपनाए। तो भारत, मैंने लास्ट की वीडियो में बताया था आपको कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था, ठीक है ना, कि इसमें जो है वो दोनों को रखा जाएगा, मतलब साथ साथ का प्राइवेट, मतलब ये कृषि सरकार की भी चलेगी और साथ साथ में जो प्राइवेट सेक्टर्स है इनकी भी चलेगी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पे फोकस किया जाएगा। तो इट मीन्स ये वही टॉपिक है आपका कि भाई निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। तो निजी क्षेत्र हो गया आपके प्राइवेट सेक्टर और सार्वजनिक क्षेत्र हो गया आपके पब्लिक सेक्टर। तो इन दोनों को बैलेंस करना इतना टफ था कि भाई भारत ने क्या कर दिया, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया। लेकिन भाई हम जो है वो दोनों पे फोकस करेंगे, मतलब दोनों की ही सुनेंगे, सार्वजनिक लोगों की भी सुनेंगे यानी कि पब्लिक की भी सुनेंगे, और साथ साथ में हम जो प्राइवेट सेक्टर है उनकी भी सुनेंगे। तो ये इस टॉपिक में बताया गया है आपको। आगे देखोगे कि इसमें एक टॉपिक आ रहा है आपका नेक्स्ट, भूमि सुधार, ठीक है, भूमि सुधार। बाकी आप इसमें छोड़ सकते हो, क्योंकि बाकी में सिर्फ ये बताया गया है कि भारत ऐसी कंडीशन में ना फंसा हुआ था कि वो बेसिकली करे क्या, आपकी जैसे यूरोप, कई लोग चाहते थे कि भाई वो पूंजीवादियों को अपनाए, कई लोग चाहते थे कि समाजवादी को अपनाए, और कई लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि भाई चलो ठीक है दोनों ही जरूरी है हमारे लिए। तो इस कंडीशन में हमारी बहस हुई, लेकिन लास्ट में ये डिसाइड किया गया कि हम जो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भूमि सुधार, ठीक है। तो भूमि सुधार में हम ये पढ़ना है इस वाले टॉपिक में, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है भूमि सुधार है। तो भूमि सुधार वाला जो टॉपिक है इसमें मैं दो तीन चीजें बताई गई हैं। इसमें बताया गया है भूमि सुधार का अर्थ क्या होता है, पहले वो समझ लो आप। देखो भूमि सुधार का मतलब होता है कि भाई जमीन से रिलेटेड कुछ चीजें चेंज की गई थी। पहले के टाइम पे जमींदारी सिस्टम था, आपको पता ही है, ठीक है, कि जमींदार जो है वो किसानों से जमीन लेते हैं, फिर उन्हीं के उसी जमीन पे खेती करवा के कुछ परसेंटेज अपने पास रखते हैं, बाकी जो है वो थोड़ा बहुत उनको दे देते हैं। तो ये जमींदारी प्रथा जो है वो जब गवर्नमेंट आई और कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने कहा कि भूमि सुधार करे और जितनी भी जमीनें किसानों जमींदारों ने ले रखी थी किसानों से वो सब किसानों को वापस कर दी गई थी, ठीक है ना। और साथ साथ में ये भी डिसाइड कर दिया गया था कि किसके पास कितने हद तक जमीन रहेगी, मतलब एक लिमिट डिसाइड कर दी गई कि भाई एक नॉर्मल एक एवरेज बंदे के पास कितनी जमीन होगी। तो ये सब भूमि सुधार में ही आता है। भूमि सुधार में आप ये मत देखना कि भाई मिट्टी को चेंज किया एक्सेट्रा, कई लोग लिखते भी है। भूमि सुधार का मतलब है कि भूमि से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट करवाए, जैसे कि भाई जो पहले जमींदारी प्रथा थी वो खत्म कर दी गई, जमींदारों ने जिन लोगों से जिन किसानों से जमीन ले रखी थी उनको वापस कर दी गई, ठीक है। और साथ साथ में इसमें ये मेंशन कर दोगे कि भाई ये जितने भी किसान थे उनके एक लिमिटेशन रख दी गई कि भाई एक बंदे के पास, एक किसान के पास, एक पर्सन के पास इतने हद तक जमीनें हो सकती है, एक लिमिट डिसाइड कर दी गई, ठीक है। और साथ साथ में भूमि सुधार में एक चीज और है, इसमें इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, 14 बैंक, ठीक है, ध्यान रखना, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, यानी कि जो आपके निजी बैंक थे, ठीक है ना, उन सबको राष्ट्रीयकरण कर दिया था, यानी कि उनको एज अ गवर्नमेंट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया गया था, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर में आ चुके थे। इससे क्या हुआ था, जो कृषि है, किसान वगैरह जो लोन लेना चाहते हैं, अब प्राइवेट सेक्टर होते तो जाहिर सी बात है ना कि भाई बैंक जो है वो उनको अपने हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देता, लेकिन जब गवर्नमेंट के अंडर में आ गए तो गवर्नमेंट ने एक रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई हम तुम्हें इतने हद तक ब्याज देंगे, ठीक है ना, जिससे क्या होगा किसान जो है वो इजी लोन ले सकेगा तो अपने डेवलपमेंट कर सकेगा। तो ये सारी की सारी चीजें भूमि सुधार में आएंगी आपकी, ठीक है ना। ये हम आगे भी टॉपिक है इसका, थोड़ा सा और पढ़ेंगे इसके बारे में कि भूमि सुधार क्या था, ठीक है। तो वैसे भूमि सुधार इतना ही था कि भाई बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जो जमींदारी प्रथा है वो खत्म कर दी गई, और साथ साथ में जो जमीनें हैं उनकी एक लिमिटेशन डिसाइड कर दी गई कि किसके पास कितने हद तक जमीनें होंगी। तो ये आपका भूमि सुधार में है, ठीक है। अब है आपका नेक्स्ट टॉपिक खाद्य संकट, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। खाद्य संकट मैंने बताया था आपको, बिहार का खाद्य संकट, जो कि आपका बिहार में आपका जो खाद्य संकट हुआ, खाद्य संकट, ठीक है ना, जो कि आपका 1960 के टाइम पे हुआ था, 1960 के टाइम पे क्या हुआ था। अब सिर्फ बिहार में ही खाद्य संकट नहीं हुआ था, ये लगा लो कि जो भारत है, भारत के पूर्व पश्चिम उत्तरी
ये वाला एरिया ज्यादा प्रभावित हुआ था खाद्य संकट से 1960 के टाइम पे। क्यों? क्योंकि हमने पहला जो पहली पंचवर्षीय योजना जो कृषि पे थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना आपके उद्योगों पे, तीसरी पंचवर्षीय योजना मिक्सचर तो था लेकिन जितना सोचा गया था उतना हम अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, तो क्या हुआ 1960 के टाइम पे ना अकाल पड़ने के कारण, ठीक है ना, या सही तरीके से व्यापार न होने के कारण क्या हुआ था कि भाई उत्तरी भाग में क्या हुआ था आपका खाद्य संकट बढ़ गया था। ठीक है, खाद्य संकट का इफेक्ट सबसे ज्यादा बिहार में हुआ। क्लियर है? तो ये आता है आपका कि बिहार का जो खाद्य संकट था वो 1960 में हुआ था और साथ साथ में सबसे ज्यादा जो इसको प्रभावित किया गया, सबसे ज्यादा जो इस चीज से प्रभावित हुआ वो था आपका बिहार। कैसे? ऐसा कहते हैं कि बिहार में जो एक एक बंदे को एवरेज जो कैलोरीज चाहिए वो 2400 करीब के चाहिए, ठीक है ना, 2400 कैलोरीज चाहिए दिन में खाने के लिए। लेकिन कह रहे कि बिहार में खाद्य संकट इतना ज्यादा डीप पड़ गया था, इतना ज्यादा बेकार हालत पड़ गई थी कि लोगों को ना 1200 तक कैलोरीज ही मिल पा रही थी, यानी कि लगा लो कि आधी। अगर आप मान लिया 6 रोटी खाते हो तो आपको एक दिन में आप 6 रोटी खाते हो तो बेसिकली ऐसा हो कि भाई आपको 3 रोटी ही दी जा रही है। तो मतलब ऐसी कंडीशन बन चुकी थी बिहार की जिस टाइम पे, जिसको आप बिहार का खाद्य संकट कहते हो। बल्कि इस टाइम पे ये होता कि जो पंजाब वगैरह है इन्होंने क्या कर दिया था, जोनिंग कर दी गई थी। मतलब इन्होंने जो अपने वो है गेहूं वगैरह इनको दुगने दामों में बेचना शुरू कर दिया था। ठीक है, 1960 के टाइम पे। क्यों? क्योंकि भाई डिमांड बढ़ रही थी, क्योंकि भारत में और कहीं पैदावार की हो नहीं पा रही है, पंजाब हरियाणा इन जगह पे थी, लेकिन ये अपने जो गेहूं है वो दुगने दामों में बेच रहे थे। अब क्या हुआ, हमारे गवर्नमेंट को मजबूरन अमेरिका से गेहूं आयात करने पड़े, मतलब अमेरिका से और सोवियत संघ से, इन सब से हमने गेहूं आयात करने पड़े थे 1960 के टाइम पे अपनी गरीबी या जो एक खाद्य संकट से बाहर निकलने के लिए। तो खाद्य संकट सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुआ वो हुआ आपका बिहार में। ठीक है ना, तो ये आप थोड़ा बहुत इसको पढ़ लेना क्योंकि बिहार की खाद्य संकट के बारे में पूछ लेते हैं, जो कि 1960 में था। 2400 कैलोरी चाहिए एक बंदे को, मिनिमम 2400 इसके आसपास सही होती है, लेकिन बिहार में खाद्य संकट इतना ज्यादा था कि एक एवरेज बंदे को सिर्फ 1200 कैलोरीज मिल रही थी, यानी कि आधी, यानी कि 6 रोटी में से सिर्फ 3 रोटी आपको मिल रही डेली। ठीक है, तो ये बिहार का खाद्य संकट था। अब इससे निकलने के लिए गवर्नमेंट ने फिर हरित क्रांति, जिसको आप ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हो, श्वेत क्रांति, ये सब बाद में शुरुआत होती गई। तो ये लगा लो कि इसके बाद से ही भारत में थोड़ी बहुत डेवलपमेंट होना शुरू किया था, यानी कि कृषि पे वगैरह पे और चीजें शुरू हो गई थी, वो कि आप हरित क्रांति में पढ़ोगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपका ऑलमोस्ट चैप्टर कवर कर दिए गए हैं, 80-90% चैप्टर कवर हो चुका है, बस 10% चैप्टर बचा है, वो आप मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, इसलिए इसका एक और पार्ट आपका बनाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं चीजें थोड़ी सी डीपली समझा रहा हूँ, तो आप जितना हो सके वीडियो को पूरी ही देखा करिए, क्योंकि कुछ चीजें अगर मिस हो गई तो फिर आप रिपीट नहीं कर पाओगे। ठीक है ना कुछ चीजें मिस होंगी फिर आपकी, अगर आप वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करोगे तो। इसलिए पूरी वीडियोज देखिए, चैप्टर को डीपली समझिए। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और बाकी वीडियोस भी जरूर देखो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब कुछ करो। तब तक के लिए राधे राधे।